हेलो एवरीवन, आज हमारा फिफ्थ क्लास है जिसमें हम लोगों ने आपको पहले ही बता रखा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स? मेनली जो एक्सपोनेंट्स वर्ड आता है वो तब आता है जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्या लग जाती है, पावर, मीन्स 2, 3 या किसी कॉन्स्टेंट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जब पावर वर्ड आ जाता है तो वो किसी भी वैल्यू, एक नॉर्मल वैल्यू के एक्सपोनेंट्स फॉर्म में क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर ये ए लिखा है और ये मान लो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यही ए के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे या ए के ऊपर स्क्वायर इंटू बी के ऊपर स्क्वायर, तो ये एक एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है एक्सपोनेंस वो कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, एम एंड एन आर टू रैशनल नंबर्स, देन, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल या फिर प्रोडक्ट लॉ, जो बताता है इफ़ ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन हो तो टोटल पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो कि बन जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। बट कंडीशन अप्लाइड कि दोनों के बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम, देन ओनली पावर्स ऐड होंगी। कब? जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। सेकेंड जो लॉ आता है वो है क्वेश्चन लॉ, क्वेश्चन लॉ या फिर डिवाइजर लॉ, मीन्स रिलेटेड टू डिवीजन। तो ये क्या है? ये बताता है इफ ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन देन द पावर्स आर गेट सब्ट्रैक्टेड व्हेन व्हेन द बेस इज सेम। ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम होगा और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तब दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन देन ए की पावर एम माइनस एन भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उनके कोई नाम नहीं है, ये दो प्रॉपर्टीज़ के स्पेशल नाम दिए गए, प्रोडक्ट लॉ एंड क्वेश्चन लॉ। अब जो प्रॉपर्टीज़ वो नेमलेस हैं पर बहुत यूज़फुल हैं वो देखिए। अगर कुछ लिखा है सी, इफ़ ए इंटू बी की पावर एम लिखा है तो हम इसको ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या कि a इंटू बी होल की पावर अगर m है तो दोनों को अलग करके दोनों की पावर भी m होगा। नेक्स्ट d, इफ a अपॉन b की पावर m है तो इन द सेम वे अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की पावर भी m है तो ध्यान रखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। समझ में आया क्या? अलग अलग करके भी पावर्स को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, ना कि 0। क्या कि अगर ए की पावर 0 है या बी की पावर 0 या 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। समझ में आया? नेक्स्ट एफ, इफ ए की पावर माइनस एम देन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए की पावर 1 अपॉन एम। समझ में आया क्या? अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म में पॉजिटिव हो जाता है, मींस ए की पावर माइनस एम है तो इसको 1 अपॉन ए की पावर एम लिख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव प्लस रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात हो
इन द सेम वे अगर हम कह दें 1/a की पावर माइनस एम हो तब क्या होगा, तो ये रेसिप्रोकल और नेगेटिव है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर किसी के ऊपर रूट लगा होता है तो उसकी पावर होती है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट तो 1/2, क्यूब रूट तो 1/3, फोर्थ रूट तो 1/4। इन द सेम वे अगर ये लिखा हो किसी के ऊपर तो इसकी पावर कितनी होगी, फ्रैक्शन में होगी 1/3। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी नेगेटिव कांस्टेंट की पावर हो, मीन कांस्टेंट ही नेगेटिव है, मतलब -a की पावर m है, तो इसको -1 की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m भी लिखा जा सकता है। मीन्स किसी भी चीज़ में अगर माइनस है तो हम वो -1, जैसे हम लोग नहीं कह सकते किसी भी चीज़ में किसी का मल्टीप्लाई नहीं, तो वहाँ पर 1 होता है। समझ में आया। जैसे कि अगर ये a लिखा है तो हम इसको 1a भी कह सकते हैं, पर 2a नहीं, 1 कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं आता वैल्यू में, पर -1 का मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर -a है तो हमने उसके माइनस को हटा दिया और दोनों को पावर्स डिवाइड कर दी, जैसे ऊपर किया था सेम a इंटू b का होल पावर, तो a की पावर m और b की पावर m। समझ में आया आपको। तो ये हमारे थे एक्सपोनेंशियल्स लॉ या एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटीज। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले इफ 3 की पावर 35 प्लस 3 की पावर 35 प्लस 3 की पावर 35 इज इक्वल टू 9 की पावर x, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबकी एक सा है तो हम कॉमन कर लेते हैं, हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा। तो 3 की पावर टोटल कितना है, 35 प्लस 35 प्लस 35, क्या आया, आया 3 की पावर 15 इंटू 105 इज इक्वल्स टू 9 की पावर x। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 9 को भी तो कुछ लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल पावर x है तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3 की पावर 2x। लिख लो 3 की पावर 105 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2x, तो x की वैल्यू क्या आई, 105/2। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 5/2 इंटू 3/1 इंटू 3/2 इंटू 4/2 सेम, तो क्या करेंगे हम, या तो सेम को ऐड कर लो या सिंपली ओपन कर लो। तो यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 16, आपस में कर लो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, एक कुछ नए टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो कि ऐसे लिखा जाता है, 2 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर b इज इक्वल टू 10 की पावर c, फाइंड द रिलेशन। क्या क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिलेशन, मीन्स ए बी सी में क्या रिलेशन बनता है वो फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन सबको एक कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे, क्या 2 की पावर a इज इक्वल टू k, 5 की पावर b इज इक्वल टू k एंड 10 की पावर c इज इक्वल टू k। अब पावर्स को हटा देते तो k की पावर 1/a, फिर 5 की पावर 5 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/b एंड नेक्स्ट 10 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/6। अगर 10 को लिखना चाहें तो हम 2 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/a इंटू k की पावर 1/b। ये क्या है, ये तो 10 है और ये भी तो 10 ही है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे क्या कि k की पावर 1/c इज इक्वल्स टू k की पावर 1/b प्लस इंटू k की पावर 1/c मतलब a। जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं,
तो k की पावर 1 बाय सी इज इक्वल्स टू k की पावर 1 बाय ए प्लस ए की पावर 1 बाय बी। जब दोनों के बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 1 बाय सी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, तो 1 बाय सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय ए बी। तो c की वैल्यू क्या आएगी अगर बात करें तो c इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। हमारा ये रिलेशन आ गया बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए बी सी। समझ में आया? इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन है करवाने को, वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जैसे ही आते हैं वो आपने कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपकी 5 क्लासेस हुई हैं उसमें चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे समरी, समरी में हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो थ्योरेटिकल पार्ट को हम रिवाइज करेंगे एक बार, तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रॉपर रिवीजन करेंगे फुल चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।